हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कच्चे चावल से बना बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इनको मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिया है 1 कप। चावल को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके 5 से 6 घंटा पहले सोख होने के लिए रख दिया था। तो चावल अच्छे से भीग चुके हैं, सारे पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और इनको हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चावल मैंने आधे ही पीस लिए हैं, बाकी के हम दूसरे शिफ्ट में पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आलू, ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने कच्चे आलू लिए हैं। आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आधे आलू हम यहीं पर ऐड कर देंगे और बाकी के जो आधे आलू बचेंगे उनको हम दूसरे शिफ्ट में चावल के साथ पीस लेंगे। अभी ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब दही। इस तरह से ये इजीली पीस जाएंगे। तो अब इनका ढक्कन लगाकर हम इनको बारीक पीस लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इनको बारीक पीस लिया है। तो इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इनको साइड कर देते हैं, फिर से जार लेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे आलू कटे हुए, पहले हम आलूओं को पीस लेते हैं, उसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने आलू को पहले बारीक पीस लिया है, अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो अब सारे चावल ऐड कर देंगे, इसमें हम दही नहीं ऐड करेंगे, बिना दही के इनको पीस लेंगे। तो जार का ढक्कन लगाएंगे और इनको बारीक पीस लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने बिना दही ऐड किए ही इनको बारीक पीस लिया है और ये बहुत अच्छे से पीस गए हैं। दही मैंने ऐड करके पीसा था तो ये थोड़े से पतले बैटर बनकर तैयार हुए थे, और इस तरह से मैंने बिना दही के पीसा है तो ये थोड़े से थिक बने हैं। तो अब इस बैटर को भी उसी चावल वाले बैटर में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने आलू और चावल का फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, थोड़े से ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और थोड़े से ऐड करेंगे जीरा पाउडर। 1 चम्मच कूटा हुआ सूखा मिर्ची मैंने ऐड किया है। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए मैंने ऐड किया है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। थोड़े से मैंने किचन किंग मसाला पाउडर ऐड किया है, पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और इसकी जगह पे आप थोड़े से गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और गरम मसाला नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। तो बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज। 1 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ सब्जियाँ। 1 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कट करके ऐड करेंगे। शिमला मिर्च बारीक कट करके ऐड करेंगे। 1 शिमला मिर्च मैंने लिया था, जिसको मैंने आधे ही कट करके लिए हैं। 1 कटोरी धनिया की पत्ती मैंने बारीक कट करके ऐड किया है। सब्जियां आप अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इन सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। तो अभी तक मैंने सॉल्ट नमक नहीं ऐड किया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं बैटर अभी थोड़े से पतले लग रहे हैं, तो इनको थिक करने के लिए हम ऐड करेंगे रोस्टेड चना दाल का पाउडर। आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप थोड़े से भुना हुआ चना भी ले सकते हैं। चने को आप मिक्सी के जार में पीस लीजिए बारीक, इस तरह से पिसे हुए चना को भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आधा कटोरी चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे दही। दही मैंने पहले भी ऐड किया था चावल पीसने के टाइम, तो इस तरह से मैंने 1 कटोरी दही भी ऐड किया है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को हमारे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये नाश्ते, बहुत ही टेस्टी बने थे, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इनको 5 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पर रख देंगे। जब तक मैंने बैटर को रेस्ट पर रखा है, तब तक यहाँ पर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को हम बनाएंगे इस अप्पम पैन में। तो सबसे पहले पैन को ग्रीस करेंगे तेल से। तो अप्पम पैन को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, अभी इनको साइड कर देते हैं। और अब मैंने इस तरह से एक बर्तन ले लिया है, इनको भी ग्रीस कर लेंगे तेल से। आपके पास इस तरह का बर्तन नहीं है तो आप कोई भी थाली वगैरह ले सकते हैं, जो हल्का सा गहरा भी हो। तो इसे भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है तेल से, अभी इनको साइड कर देते हैं। और यह हमारे बैटर को भी 5 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए, इनको भी चेक कर लेते हैं एक बार और, इनको मिक्स कर लेंगे। तो बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नमक को ऐड कर सकते हैं।
मिक्स कर लेंगे नमक को। तो नमक को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे इनो। मैंने सादा इनो लिया है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। आपके पास इनो नहीं है तो इसकी जगह पे आप थोड़े से बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 पिंच के करीब, यानी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिएगा। थोड़े से मैंने पानी ऐड किया है दही वाले कटोरी से, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। तो फटाफट से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में इनको मिक्स करेंगे। तो बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब अपन पैन में इनको ऐड करेंगे। तो पैन को मैंने लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बैटर को, बस 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे, थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे, ये स्टीम होकर डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने अपन पैन में बैटर को डाल दिया है। अब इनको कवर करके स्टीम कर लेंगे 2 मिनट के लिए। जब तक नाश्ते स्टीम हो रहे हैं तब तक हम दूसरे बैटर को भी इस प्लेट में ऐड कर देंगे। तो सारे बैटर को मैंने इस प्लेट में ऐड कर दिया है। अब इनको अच्छे से बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो बैटर को मैंने अच्छे से बराबर कर लिया। अब ऊपर से थोड़े से मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। लुक अच्छा आने के लिए मैंने मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल किया है। आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं इनको भी स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पानी को गर्म होने के लिए पहले से गैस पर चढ़ा दिया था। पानी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। पानी में मैंने थोड़े से खटाई ऐड कर दिए थे ताकि बर्तन काले नहीं हों, और आपके पास लेमू है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने जाली रख दिया है, और अब नाश्ते के बर्तन को हम बहुत आराम से रख देंगे। और अब इनको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए नाश्ते को स्टीम कर लेंगे। जब तक वो स्टीम हो रहे हैं तब तक यहाँ पर हम इस नाश्ते को देख लेते हैं। तो ये नीचे से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। ऊपर से थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो तेल मैंने ऊपर से लगा दिया है। अब इनको पलटकर हम दूसरे तरफ भी स्टीम कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ते आसानी से नहीं निकल रहे हैं। आप थोड़े से तेल और लगा लीजिएगा अपन पैन में, तभी ये बहुत इजीली निकल जाएंगे। मैंने पैन में थोड़ा ही तेल लगाया था, इसीलिए आसानी से नहीं निकल रहे हैं। आप अपन पैन में नाश्ते को बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप नाश्ते को प्लेट में भी स्टीम कर सकते हैं। अब दोबारा से कवर करके इनको 1 मिनट तक स्टीम देंगे। तो 1 मिनट तक हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो इस तरह से मैंने अपम पैन में भी नाश्ते को तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इनको देख लेते हैं। तो इस नाश्ते को भी स्टीम करते हुए 15 से 20 मिनट तक हो चुके हैं। इस तरह से हम एक चाकू की मदद से चेक कर लेंगे। जब ये चाकू अच्छे से क्लीन होकर निकल आए तो आप समझ जाएं नाश्ते हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और अब नाश्ते को बाहर निकाल लेते हैं। तो नाश्ते को मैंने बाहर निकाल लिया है। इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तभी हम इनको कट करेंगे। तो ये नाश्ते हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, हाथों से छूने लायक हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं हाथों से इस तरह से हम इनको अलग कर रहे हैं, बहुत इजीली अलग हो जाते हैं प्लेट से। और अब इस नाश्ते को चाकू से कट कर लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसा आपको शेप पसंद हो। हम इनको पिज्ज़ा शेप में कट करेंगे, आप अपने ही पसंद से कट कर लीजिएगा। और ये नाश्ते बहुत ही इजीली निकल आए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे नाश्ते लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे हरी चटनी या नारियल की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इस तरह से हम सारे नाश्ते को अलग कर लेंगे। तो नाश्ते को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इनको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए चलते हैं नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो पैन को गर्म होने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब। तेल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई, और 1 चम्मच भरकर ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। इसमें से जो भी आपके पास नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। तो राई और तिल को हल्का सा चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से हल्दी पाउडर। तो राई और तिल को हल्का सा चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर से लुक बहुत अच्छा आएगा हमारे नाश्ते में। आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। तो राई और तिल हल्के से चटक चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे नाश्ते को। तो सारे नाश्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। अब नीचे की तरफ जब हल्के से गोल्डन कलर हो जाएंगे तब इनको हम टर्न कर देंगे।
बस 1 मिनट ही लगेंगे इनको गोल्डन होने में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हल्के से गोल्डन कलर आ चुके हैं। अब इनको हम पलट देंगे इस तरह से। अब दूसरे तरफ से भी इसी तरह से इनको सेक लेंगे। दूसरे तरफ भी सिकते हुए 1 मिनट लगेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दूसरे तरफ भी अच्छे से गोल्डन कलर आ चुके हैं। तो नाश्ते हमारे दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, अगर ये हमारी रेसिपी कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा हमारी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।